महिलाओं को कमजोर ना समझे, महिलाओं से ही यह संसार चल रहा है। जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कई गुना तरक्की हासिल कर रही हैं। ऐसी एक मिसाल करनाल की महिला ने पेश की है। आपको बता दें कि करनाल जिले में पहली महिला बस चालक व परिचालक ऐसी ही कुछ मिसाल पेश कर महिलाओं का नाम रोशन कर रही है। करनाल के बला गांव की एक महिला बस ड्राइवर ने अपनी कड़ी मेहनत से देश की अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि अर्चना सिटी बस चलाने के लिए करनाल में तैनात है। अर्चना ने यह साबित कर दिया है कि कभी भी जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता। जब दिल में इच्छा कुछ अच्छा कर दिखाने की हो तो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। अर्चना की नहीं, उनकी सहयोगी कंडक्टर सरिता भी उनके साथ साथ इस कार्य में उनका पूरा साथ देती है। अर्चना ने बताया कि वे हमेशा से कुछ अच्छा करना चाहती थी जो सबसे अलग हो। इसके लिए उन्होंने करनाल बस स्टैंड से बस चलाने के लिए ट्रेनिंग भी ली। आज अर्चना सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने हर महिला के लिए संदेश भी दिया और कहा कि सभी महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो कि महिलाएं नहीं कर सकती। हालांकि अर्चना ने कहा कि शुरू में उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना किया था, लेकिन यह लाजमी है। अब वह पूरे तरक्की से अपने काम में अपना ध्यान लगा पाती हैं और अब कोई परेशानी नहीं है। बस में महिला ड्राइवर अर्चना के साथ उनकी महिला सहयोगी बस की कंडक्टर सरिता नामक महिला है, जो उसका पूरा साथ देती है। अर्चना का कहना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उनका सपना था कि वो कोई ऐसा काम करे जो दूसरे काम से हटकर हो। बताते चले कि अर्चना महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। बस ड्राइवर अर्चना और उनकी सहयोगी कंडक्टर सरिता का कहना है कि सरकार ने उन्हें बहुत अच्छा मौका दिया है। उनका कहना है कि हर महिला को घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मन में कुछ कर दिखाने की होड़ थी। वहीं सीएम सिटी में बस की सफर करने वाले लोग भी महिला बस ड्राइवर को बस चलाते देखकर उसके हौसले की तारीफ करने में लगे हुए हैं। सफर करने वाले लोग भी काफी खुश हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि सिटी बस में सफर करके हम अपने आप को काफी सेफ महसूस करते हैं। पहले कॉलेज आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। क्या कहना चाहेंगे आप, जो करनाल महिला बस ड्राइवर और चालक और परिचालक हैं, तो किस तरह महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत मतलब कि सिक्योरिटी भी अभी महिला चलाती है, और एक तरह से भी ये भी है कि गर्ल्स को भी ऐसे तो पहले क्या दिक्कत आती है? सर, वैसे तो यहाँ तक बहुत मतलब कि रिक्शा में जाते हैं ना, किराया भी ज़्यादा, किसी के पास बहुत सही है, मतलब कि एक परमानेंट हो। तो अब किस तरह फील करते हैं आप? और फिर भी ठीक है, मतलब बहुत पहले तो क्या कहना चाहेंगे, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आती हैं, क्या क्या नाम है? चालक है करनाल जिले में पहली, और काफी आपको अवार्ड भी मिल चुके हैं, किस तरह देखते हैं आप, किस तरह आपने प्रेरणा ली? सर, स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था मैं कुछ अलग करूं, कुछ हटके, तो इस वजह से मैं इस लाइन में आई, कुछ अलग करने की इच्छा थी सर। तो दिल्ली में भी निर्भया केस हुआ था, उसके बाद भी आप पहले कह रहे हैं कि जैसे महिला बस चालक बने, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी सर, अगर महिलाएं आगे बढ़े, जैसे ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक